हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पॉइंटर की मदद से इंटीजर एरे का सम एंड एवरेज कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इंटीजर एरे की और एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर ए ऑफ 5 एंड स्टार पी। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने एरे डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, जो हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए हमें लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 1, थर्ड एलिमेंट के लिए परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 2, फोर्थ एलिमेंट के लिए परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 3 एंड फिफ्थ एलिमेंट के लिए परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 4। यानी कि अगर हम ये सारे स्कैनफ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे इंडेक्स की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि ये टास्क हम एक सिंगल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। तो लेट अस से यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिख देता हूँ, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i = 0, i < 5 और i++, और फिर उसके अंदर एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जिस कनेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें ए ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम ए ऑफ 1 की, थर्ड टाइम ए ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम ए ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम ए ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर ए ऑफ परसेंटेज डी, और जो भी परसेंटेज डी लिखा है उसकी वैल्यू हम आई से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटएफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें एंटर ए ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर ए ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर ए ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर ए ऑफ 3 और फिफ्थ टाइम एंटर ए ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है, एक वेरिएबल का नेम, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू एंड थर्ड वेरिएबल का एड्रेस। यानी कि अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर किए गए एरे की बात करें तो उसके पांचों एलिमेंट का नाम अगर हम देखें तो सबसे पहले ए ऑफ 0, उसके बाद ए ऑफ 1, उसके बाद ए ऑफ 2, उसके बाद ए ऑफ 3 और उसके बाद ए ऑफ 4। अभी सपोज ए ऑफ 0 की वैल्यू 12 है, ए ऑफ 1 की वैल्यू 23 है, ए ऑफ 2 की वैल्यू 34 है, ए ऑफ 3 की वैल्यू 45 है और ए ऑफ 4 की वैल्यू 56 है। और कोई भी वेरिएबल का एड्रेस सी कंपाइलर खुद डिसाइड करता है, यानी कि वो कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। तो लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ए ऑफ 0 XYZ लोकेशन पे स्टोर है, यानी कि ए ऑफ 1 XYZ प्लस 2 लोकेशन पे स्टोर होगा, क्योंकि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक एरे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। और यहाँ पे हमने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया हुआ है, उसका मीनिंग कि अगर हम पहला एलिमेंट XYZ लोकेशन पे स्टोर करें तो सेकेंड एलिमेंट XYZ प्लस 2 लोकेशन पे ही होगा, क्योंकि इंटीजर का हर एक एलिमेंट 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट XYZ प्लस 4 लोकेशन पे स्टोर होगा, फोर्थ एलिमेंट XYZ प्लस 6 लोकेशन पे स्टोर होगा एंड फिफ्थ एलिमेंट XYZ प्लस 8 लोकेशन पे स्टोर होगा। अभी पॉइंटर की डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल p है, और वो अगर कोई दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है तो हम एरे के पांचों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट का एड्रेस उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। लेट अस से p = एड्रेस ऑफ a0, यानी कि P के अंदर अभी XYZ स्टोर है और लेट अस से P ABC लोकेशन पे स्टोर है। अभी एरे का फर्स्ट एलिमेंट रीड करने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 12 होगी, सेकेंड एलिमेंट रीड करवाने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू पुरानी जो वैल्यू है यानी कि 12 और उसके अंदर हम 23 ऐड करें यानी कि 35 होगी। उसके बाद थर्ड एलिमेंट रीड करवाने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू जो हमारी पुरानी वैल्यू है यानी कि 35 और उसके अंदर हम 34 ऐड करें यानी कि 69 होगी। उसके बाद हमारे पास सम की वैल्यू जो हमारी पुरानी वैल्यू है 69 उसके अंदर हम 45 ऐड करेंगे यानी कि अब हमारी सम की वैल्यू 114 हो जाएगी। और लास्ट एलिमेंट रीड करने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू
जो हमारी पुरानी सम की वैल्यू है यानी कि 114, उसके अंदर हम 56 ऐड करेंगे यानी कि 170 हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारी पुरानी सम की वैल्यू है उसके अंदर हमने करंट एरे एलिमेंट को ऐड किया है, पर फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए पुरानी सम की वैल्यू 0 एज्यूम कर देते हैं और फिर उसको एलिमेंट के अंदर ऐड करते हैं, यानी कि हमारे सम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसी चीज को हम यहाँ पे लॉजिक के तौर पे लिख दे तो सबसे पहले हम सम की वैल्यू को 0 एज्यूम कर देते हैं और उसके बाद हम फॉर लूप लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज देंगे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और फिर उसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि जो हमारा राइट हैंड वाला सम है वो हमारा पुराना सम है और जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला सम है वो हमारा नया सम है। यानी फर्स्ट टाइम जब हम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त सम की वैल्यू 0 होगी और उसके अंदर हम ए ऑफ 0 ऐड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम सम के अंदर 12 स्टोर होके मिलेगा। सेकेंड टाइम जब हम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त सम की वैल्यू 12 होगी और हम उसके अंदर a ऑफ 1 ऐड करेंगे, यानी कि 12 प्लस 23 हमें 35 देगा और 35 फिर से हम सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और यही टास्क हम 5 बार परफॉर्म करेंगे। यानी कि लूप के बाहर अगर हम सम की वैल्यू को एक्सेस करें तो हमें 170 मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमें एरे के पांचों एलिमेंट की एवरेज फाइंड करनी है और एवरेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि एवरेज इज इक्वल्स टू हमने जो पांचों एलिमेंट्स फाइंड किए हैं उसका सम और उसके डिवाइडेड बाय 5 और फिर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट की मदद से सम और एवरेज को प्रिंट करवा देते हैं कि सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड एवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम सम से रिप्लेस कर रहे हैं और सेकेंड परसेंटेज डी की वैल्यू हम एवरेज से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 170 है और उसको हम 5 से डिवाइड करें तो हमें 34 मिलेगा, यानी कि हमारी एवरेज 34 है। और सपोज हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू के अंदर एक ऐड कर दे तो हमारे पास सम की वैल्यू 171 हो जाएगी और उसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें आउटपुट के तौर पे 34 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सम भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है और जब हम इंटीजर वेरिएबल का डिविजन करते हैं तो हमें इंटीजर आउटपुट के तौर पे मिलता है, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज के तौर पे 34.2 मिलना चाहिए, यानी कि एवरेज हमारी हमेशा फ्लोट या डबल होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे सम या फाइव में से किसी एक को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए सिंपल टाइप कास्टिंग की मदद से सम को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूं जो हमें आउटपुट के तौर पे अभी फ्लोट आंसर देगा। यानी कि यहाँ पे जो हमने परसेंटेज डी लिखा है उसकी जगह पे हमें परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा। अभी लूप के अंदर हमने आई सम दो वेरिएबल का यूज किया है और लूप के बाद हमने एवरेज नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो तीनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज सम एंड फ्लोट एवरेज। अभी हमें ये पूरा टास्क पॉइंटर की मदद से करना है, यानी कि यहाँ पे जो हमने ए ऑफ आई लिखा उसको हमें पॉइंटर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। सो लेट अस से पी के अंदर ए ऑफ 0 का एड्रेस स्टोर है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं स्टार पी लिखूं तो वो मुझे ए ऑफ 0 की वैल्यू देगा। सेम वे अगर मैं ऐसा लिखूं स्टार पी प्लस 1, यानी कि पी की वैल्यू एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड के अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो वो हमें एक्स वाई जेड प्लस 2 देगा, क्योंकि पी हमारा इंटीजर पॉइंटर है और जब भी हम इंटीजर पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो वो दो दो के मल्टीपल में होता है, क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है और पॉइंटर अरिथमेटिक के मुताबिक जब भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो वो डेटा टाइप के हिसाब से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। यानी कि अगर हम एक्स वाई जेड प्लस 2 को डी रेफरेंस करें तो वो हमें ए ऑफ 1 की वैल्यू देगा। उसके बाद स्टार पी प्लस 2, यानी कि स्टार एक्स वाई जेड प्लस 2 और स्टार एक्स वाई जेड प्लस 2 और कुछ नहीं है लेकिन स्टार एक्स वाई जेड प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं तो वो पॉइंटर अरिथमेटिक के हिसाब से 4 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि ये और कुछ नहीं है लेकिन ए ऑफ 2 की वैल्यू देगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि स्टार पी प्लस आई यानी कि ए ऑफ आई। तो इसी चीज को मैं लूप के अंदर लिख देता हूं, लेट अस से ए ऑफ आई की जगह पे स्टार पी प्लस आई और फिर प्रोग्राम को सेव कर देता हूं।
उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45 और 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 170 एंड एवरेज इज इक्वल्स टू 34, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए सम एंड एवरेज फाइंड किए। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, a ऑफ 1 की वैल्यू 1, a ऑफ 2 की वैल्यू 1, a ऑफ 3 की वैल्यू 1 और a ऑफ 4 की वैल्यू 1 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 16 एंड एवरेज इज इक्वल्स टू 3.2, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये एरे के लिए हमने सम और एवरेज को मैन्युअली फाइंड नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली फाइंड करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स के एरे का सम एंड एवरेज फाइंड किया है। अगर यही टास्क हमें 10 इंटीजर्स के एरे के लिए करना हो तो सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा, लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, नीचे वाले लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, और एवरेज की फॉर्मूला के अंदर सम डिवाइडेड 5 की जगह पे सम डिवाइडेड 10 करना पड़ेगा। यानी कि टोटल 4 जगह पे चेंज करने के बाद हमें 10 नंबर के एरे का सम एंड एवरेज मिलेगा, और अगर इनमें से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाए तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी चीज के लिए मैं ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से हैश डिफाइन एन 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम एन लिख दे, यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर ए ऑफ 10 की जगह पे ए ऑफ एन, लूप के अंदर आई लेस देन 10 की जगह पे आई लेस देन एन, नीचे वाले लूप के अंदर भी i less than 10 की जगह पे i less than n, और फॉर्मूला के अंदर sum divided 10 की जगह पे sum divided n, यानी कि सिर्फ ऊपर एक जगह पे हम n की वैल्यू चेंज करेंगे तो नीचे पूरे प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली n की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये 4 जगह पे चेंज करने से बेटर तरीका है। तो अभी इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 6, 6 की वैल्यू 7, 7 की वैल्यू 8, 8 की वैल्यू 9 और 9 की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 55 एंड एवरेज इज इक्वल्स टू 5.5, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने एरे लिया है उसका मैनुअल कैलकुलेशन हमने नहीं किया, पर आप खुद उसका मैनुअल कैलकुलेशन करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे का सम एंड एवरेज पॉइंटर की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।